Hi guys, before proceeding with the analysis of this question, let me give you some important information. इस पूरी exercise की जो playlist का link है वो आपको description और comment section में मिल जाएगा, जहाँ से आप इस पूरी exercise का बहुत अच्छे से prepare कर सकते हो। इस playlist में मैंने एक एक concept, एक एक question पूरे अच्छे से explain किया हुआ है। वाइल प्रिपेयरिंग द एक्सरसाइज अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट पर, तो आप अपना जो डाउट है कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। इन द अपकमिंग लेक्चर जो भी आपका डाउट होगा उसको मैं उसका एनालिसिस मैं आपको करवा दूंगा, जिससे क्या होगा ये एक्सरसाइज आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। इफ 10 मैन और 18 बॉयज कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, आपको क्या कहा जा रहा है? 10 मैन और 18 बॉयज किसी काम को 15 दिन में खत्म करते हैं, 15 डेज में खत्म करते हैं। पहली इंफॉर्मेशन तो ये है। फिर आपको कहा जा रहा है देन इन हाउ मेनी डेज 25 मैन एंड 15 बॉयज, 25 मैन एंड 15 बॉयज कितने दिन में इन हाउ मेनी डेज 25 मैन एंड 15 बॉयज विल कंप्लीट ट्वाइस ऑफ द वर्क, यानी कि जो काम इन्होंने किया है, जो काम ये कर रहे हैं इसका दुगना काम, जैसे कि मान लो ये जो काम कर रहे हैं वो हो गया 1, इसका ये दुगना काम 25 आदमी और 15 लड़के मिलके कितने दिन में करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज M1 D1 upon W1 is equal to M2 D2 upon W2। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको किस चीज का ध्यान रखना है, या तो आप मैन को बॉयज में चेंज कर लो या बॉयज को मैन में चेंज कर दो। जैसे कि यहां क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 10 मैन जो है वो 18 बॉयज के इक्वल है, तो कैन आई से दैट 5 मैन इक्वल टू 9 बॉयज। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं यहां समअप करूं तो देखो 10 आदमी जो है 18 लड़कों के बराबर है, एंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है 10 मैन और 18 बॉयज, मैं बॉयज में सॉल्व कर रहा हूं, यानी कि एम वन की जगह आ जाएगा 18 बॉयज, और वो काम कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 15 दिन में एक काम, तो W1 की वैल्यू होगी 1। इतनी बात समझ में आ रही है? फिर M2 का मतलब अब टोटल बॉयज कितने होंगे, देखो 5 आदमी 9 लड़कों के बराबर है, तो 25 आदमी कितने लड़कों के बराबर होंगे, इसका 5 गुना कर दो, 5 आदमी अगर 9 लड़कों के बराबर है तो 25 आदमी कितने लड़कों के बराबर होंगे, क्या ना इसे 9 5 45 बॉयज, तो ये तो हो गया 45 बॉयज एंड 15, टोटल कितने हो गए 60, तो यहां पर M2 की जगह आ जाएगा 60। कितने दिन में करेंगे ये हमें फाइंड करना है, D2 और W2 क्या है, पहले वाले काम का दुगना, तो W2 कितना हो गया 2, आपको फाइंड करना है D2, आपको क्या फाइंड करना है, आपको D2 फाइंड करना है। तो देखो D2 कैसे आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 15 1 15 15 4 60, 2 1 2 2 2 4, 2 से 18 को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 9, 2 से 18 को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 9, यानी कि ये जो काम होगा वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, 9 डेज में। ये जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, 9 डेज में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको क्या करना है, या तो मैन को बॉयज में चेंज कर दो या बॉय को मैन में चेंज कर दो, फिर आपको इस फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है। आंसर इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? टुडेस क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।